हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विश्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइडेमोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइडेमोलिज्म होती क्या है वो देखेंगे हम लोग। ये जो है ड्यूरिंग लेबर के टाइम में ज़्यादा देखने को मिलती है और ये बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको डेली डेली ऐसी नई नई क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइडेमोलिज्म को डायग्राम के थ्रू बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि होता क्या है और क्यों होता है, ये भी सब समझ आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कुछ कुछ हम लोग इसमें। तो एमनियोटिक फ्लूइडेमोलिज्म क्या है, बहुत ही रेयर होता है, पोटेंशियली लीथल कंडीशन। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मेयर इन 1926, ठीक है। मेयर के द्वारा ये फर्स्टली बताया गया था 1926 में। और ये क्या होता है, एनाफाइलेक्टोइड सिंड्रोम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का एनाफाइलेक्टिक सिंड्रोम होता है ये। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में लीड टू अ माइल्ड डिग्री ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, माइल्ड डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑर्गन डिसफंक्शन करता है, कोगुलोपैथी करता है और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एंड डेथ। तो ये क्यों लिखा है, ये मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसे ऑर्गन डिसफंक्शन करेगा, कैसे कोगुलोपैथी करेगा और कैसे कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स करेगा, साथ में डेथ भी लीड करता है, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म का आपका डेफिनेशन भी बन सकता है कि मे लीड टू माइल्ड डिग्री ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन, कोगुलोपैथी, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड डेथ, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन लीड करता है, ये आपको डायग्राम में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। द सिंड्रोम टाइपिकली अक्कर ड्यूरिंग लेबर, सून आफ्टर वेजाइनल और सिजेरियन डिलीवरी एंड ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो ये कब कब देखने को मिलती है हमको, लेबर के टाइम में देखने को मिलेंगी, वेजाइनल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन है तब मिलेंगी, और साथ में ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर डायलेशन एंड इवोक्यूशन प्रोसीजर हो रहा है एबॉर्शन का, उस टाइम में ये कंडीशन जो है देखने को मिलती है, ठीक। फिर देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है, मैटरनल रिस्क फैक्टर कब कब होंगे ये एमनियोटिक फ्लूइडेमोलिज्म के चांसेस। तो ओल्डर मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर, ठीक है। मल्टीपारिटी है, वन से ज़्यादा बेबी का डिलीवरी अगर हो चुकी है तब। इंटेंस कॉन्ट्रक्शन ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम में कॉन्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होना। एब्डोमिनल ट्रॉमा, सिजेरियन सेक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्लेम्सिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, टीयर इन द यूट्रस ऑफ सर्विक्स, टीयर होना यूट्रस और सर्विक्स का वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे। फिर अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा अगर पहले ही सेपरेट हो गया है डिलीवरी से पहले बेबी से, तो उस टाइम भी एमनियोटिक फ्लूइडेमोलिज्म कॉज करता है, ठीक है। तो वो मेटरनल फैक्टर, और ये वो फिटल फैक्टर में फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो फिटल डैड है या मेल बेबी है, तब ये सारे कंडीशन जो अपन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अपन लोग डायग्राम के थ्रू की होता क्या है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइडेमोलिज्म होने तो कौन कौन से टेस्ट करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री देखेंगे, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, पीएच पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स कार्बन डाइऑक्साइड बेस एक्सचेंज इंक्रीज, ठीक है। तो ये सारे जो CBS कोगुलेशन स्टडी, ये सारे जो टेस्ट जो है करेंगे, ब्लड टाइप CXR ब्लड, और यहाँ पे 12 लीड ECG, लंग्स का स्कैन, डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ C3 एंड C4। तो यहाँ पे जो है ये सारे जो टेस्ट करते हैं, ठीक है। बेड साइड TEE, तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया कि होता क्या है। अब चलिए मैं ले चलती हूँ आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी कि आखिर एमनियोटिक फ्लूइडेमोलिज्म होता कैसे है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट, इन्फीरियर वेना केवा, आयोटा, फिटस यूट्रस, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिटस यूट्रस। फिर यहाँ पे देखिए कि जैसे लेबर का टाइम आता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, रप्चर होते हैं मेम्ब्रेन, और क्या होते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक मतलब बाहर की ओर आउट हो जाते हैं, ठीक है, लेबर का जब टाइम आता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सैक है और ये यूट्रस, ये प्लेसेंटा, और ये जो है ये रेड वाली आयोटा, और ये यूट्राइन वेसल्स। फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट गो टू यूट्रस टू सप्लाई द प्लेसेंटा एंड फिटस।
ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ये जो आयोटा है उसके थ्रू कहाँ जा रहे हैं हमारे यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी से किस में जा रहे हैं यूट्रस में, यूट्रस के साथ प्लेसेंटा में, ठीक है, ताकि बेबी को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिल सके। ठीक, वैसे ही क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वेस्ट लीव यूट्रस एंड ट्रेवल टू हार्ट एंड लंग्स। और जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लेसेंटा से यूट्रस में आएगा, यूट्रस से ये यूट्राइन वेन के होते हुए यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा के थ्रू यहाँ से लंग्स से हार्ट की थ्रू यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए एरो बना हुआ है ट्रेवल के लिए। फिर यहाँ पे स्मॉल पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रिमेन। ठीक, क्या होता है कि जब बेबी लेबर का टाइम आता है, ठीक है, यूट्राइन वॉल एमनियो जो एमनियोटिक लेयर होती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने से जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड भरा रहता है वो क्या होते हैं बाहर की ओर आउट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अगर कभी डिलीवरी वार्ड में आपका ड्यूटी वगैरह लगे होंगे तो जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनका ये बीएससी और जेएनएम दोनों के लिए है ये जो क्लासेस हैं वो। और आपने देखा होगा कि मतलब जो एमनियोटिक फ्लूड है वो लीक आउट होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट में क्या होते हैं एमनियोटिक फ्लूड जो है बेबी के पास बचा हुआ होता है। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है एक मतलब फिसलन प्रोवाइड करता है लेबर में, लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए, बेबी के एक्सपल्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूड तो निकल जाते हैं बट कुछ अमाउंट में यहाँ पे किनारे में रुका हुआ होता है। ठीक है, तो यही जो एमनियोटिक फ्लूड है रुका हुआ, जो रिमेन एमनियोटिक फ्लूड है वही क्या करता है एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म कॉज करता है। तो उसको देखते हैं वो कैसे कॉज करेगा, ये देखिए। ठीक, फिर इसको जूम करके देखते हैं तो ये फिटल हेड है और ये एमनियोटिक फ्लूड है और ये यूट्राइन वॉल है और ये साथ में यूट्राइन ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे नाम के साथ देखिए एमनियोटिक फ्लूड हेड और ये यूट्राइन वेसल्स ब्लड वेसल्स और ये यूट्रस वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होता है कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में क्या होते हैं यहाँ पे माइक्रो टीयरिंग होने लगता है। माइक्रो टीयरिंग की वजह से कॉन्ट्रेक्शन के टाइम ये जो ब्लड वेसल है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्शन का जो टाइम होता है वहाँ पे यहाँ पे देखते हैं एक बार लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन यूट्राइन वेन क्लोज। ठीक है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होता है तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम ये जो वेन है वो सारे क्लोज हो जाते हैं। फिर बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन एमनियोटिक फ्लूड कैन इंटर वेन थ्रू माइक्रो टीयर्स। ठीक है, फिर कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में क्या होता है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूड है यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोग को कि माइक्रो टीयरिंग के थ्रू ये क्या होते हैं कि यहाँ से निकल करके ये ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से निकल करके पूरे ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं ऐसे। फिर ये क्या करते हैं पूरा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं पूरे ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे ये फिर ये ट्रैवल करने लगते हैं। ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं हमारे लंग्स और हार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एमनियोटिक फ्लूड जो है यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये अब कहाँ जाएंगे हमारे लंग्स और हार्ट पे। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ से ये ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं हार्ट और लंग्स में। एमनियोटिक फ्लूड ट्रैवल्स थ्रू हार्ट एंड लोब्स इन लंग्स वेसल्स। ठीक है, लंग्स के लोब में और हार्ट में क्या है ट्रैवल करने लग रहे हैं क्या एमनियोटिक फ्लूड। फिर क्या करेगा द वेसल्स ऑफ द लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट, इसकी वजह से लंग्स का जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। फिर द लंग्स कैन नो लॉन्गर एक्सचेंज ऑक्सीजन, फिर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एमनियोटिक फ्लूड की वजह से जो ब्लड वेसल है उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होते हैं लंग्स जो है वो एक्सचेंज नहीं कर पाता। ठीक है, जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज नहीं कर पाता ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूड। ठीक है, तो हार्ट एंड लंग्स फेलियर मे फॉलो मिनट। ठीक, तो जब एक्सचेंज नहीं कर पाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, ठीक है, तो क्या होगा हार्ट फेल्योर होंगे और लंग्स का भी फेल्योर होगा। तो क्या होता है यहाँ पे ब्रेन वेसल्स पॉज में हम लंग होने लगते हैं, फिर ये फिटस ऑक्सीजन डज नॉट गेट टू मैटरनल एंड फिटल टिश्यू। फिर क्या होते हैं जब यहाँ पे एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं O2 और CO2 का, तो क्या होंगे कि जो ब्लड वेसल मदर है और जो फीटस है वो साइनोस होने लगेंगे क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रही है, जिससे क्या होंगे फीटल डेथ हो सकती है और मैटरनल भी डेथ हो सकती है। द रिजल्ट कैन बी फेटल टू बोथ मदर एंड फीटस, और ये जो है मदर फीटस के लिए बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है डेथ की भी
चांसेस होती है, ठीक है। तो मैंने जो डेफिनेशन में आपको बताया था कि कोगुलोपैथी और क्या फिटल डेथ और जो ऑर्गन डिसफंक्शन, तो यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी और जो हार्ट है वो डिसफंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, साथ में डेथ भी हो रहे हैं, तो डेफिनेशन में मैंने बताया था वो प्रोसेस यहाँ पे सेम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म, इसी को ही एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म, ठीक है। तो ए एफ ई बोलते हैं शॉर्ट में एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म को। तो यहाँ पे आपने देखा कि एमनियोटिक फ्लूड एम्बोलिज्म क्या होता है, जो ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, लेबर के टाइम में कॉन्स्ट्रक्शन होने से रप्चर मेम्ब्रेन के रप्चर होने से यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूड है वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूड जो है बचे हुए होते हैं, वो क्या करते हैं जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होता है माइक्रो टेयरिंग के थ्रू यूट्राइन वेसल्स में इंटर करने लगते हैं। यूट्राइन वेसल्स में इंटर करने से ये पूरे जो है वेसल्स में ट्रैवल होते हैं, ट्रैवल्स होने की वजह से ये हार्ट और लंग्स में क्या करते हैं ब्लॉकेज करते हैं, ब्लॉकेज होने की वजह से जो है हार्ट जो लंग्स है वो एक्सचेंज नहीं कर पाते गैसेस के ब्लॉकेज होने के कारण, जिसकी वजह से ये ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं, यानी कि हार्ट और लंग्स फेलियर होने लगते हैं। हार्ट और लंग फेलियर होने से मदर को और बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, तो ये दोनों जो है साइनोस होने लगते हैं, ऑक्सीजन की कमी से न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाते हैं, तो बेबी और मदर का जो डेथ जो है हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इमिडिएटली सीजरियन सेक्शन करके बेबी को आउट किया जाता है ताकि मदर की कंडीशन को बचा सके, और बेबी पहले से ही डाई है तो उसको भी रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, सीजरियन सेक्शन के थ्रू। तो ये रही हमारी पूरे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये जो इमेज थ्रू मैंने जो बताया है एक एक पॉइंट, ठीक है। ये बहुत अच्छी, आप लोग को इसे और अच्छा समझने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ भी देखेंगे आप थ्योरी थ्योरी में मिलेगा, ये जो है डायग्राम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इजी वे में आपको समझ आ जाएगा कि होता क्या है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसी अच्छे और क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।